दोस्तों हमने बात की थी कौन से मोडाल के बारे में बात की थी, कैन मोडाल के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, कि हम कैन मोडाल का यूज करते हैं, कहाँ पर हम कैन मोडाल का यूज करते हैं, कोई एक यूज मुझे बता सकते हो आप? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो सकता है या सकती है कि सेंस में हम बात करते हैं आपके कैन मोडाल की, ठीक है जी। तो आपके पास जो कैन मोडाल में सकता है सकती है, किसमें? प्रेजेंट सेंस में जब भी आपके पास चीजें होंगी तो वो क्या होगा, कैन मोडाल का यूज करेंगे प्रेजेंट में। पास्ट में सेम चीजें होंगी तो क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे। तो उसी के बारे में हम आज जानेंगे कि कुड मोडाल का यूज जो है हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो किसी को कैन मोडाल में कोई भी परेशानी है तो वो बता सकते हैं, कैन मोडाल में कोई परेशानी होगी तो वो बता सकते हैं। बाकी हम आज बात करेंगे कुड के बारे में कि जो कुड है उसका यूज जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। कैन में आपको मैं एक बार रिपीट कर दूं कि हमने बात की थी जहां पर पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी की बात होती है हम कैन मोडाल का यूज करते हैं। सेकंड हमने बात की थी कि कहीं पर परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कैन और मे के बीच में, कंपैरिजन भी मैंने आपको बताया था, कैन और मे के बीच की बात करेंगे तो हमेशा कौन को, किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, बताइए जरा, बताएंगे जरा किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी अगर हम कैन और कुड मोडाल के बारे में बात करेंगे, या मे? तो मे को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। वेरी गुड प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास जो कुड है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है जी। चलिए देखिए, पहले हम एग्जाम्पल को लेते हैं। मैंने कहा आई कुड पास द बोर्ड एग्जाम, आई कुड पास द बोर्ड एग्जाम या एग्जामिनेशन, कि मैं जो है वो बोर्ड एग्जाम को पास कर सकती हूँ, मुझ में वो सामर्थ्य है, मुझ में वो क्षमता है, या मुझ में वो शक्ति है कि मैं अपने उसको पास कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर यूज किया है कुड। मैं यहाँ पर कैन भी यूज कर सकती हूँ, आई कैन पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करेगा कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने बोर्ड के एग्जाम को पास किया। आपके पास सेम बात आती है अगर हम यहाँ पर रूल की बात करें, एबिलिटी, सेकेंड हमने बात की थी कैपेसिटी, और जो थर्ड है वो है पावर। लेकिन कौन से वाली, अगर आपके पास जो पावर है वो कौन सी है, पास्ट की है, तो आपके पास किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी और पास्ट की पावर को शो करने के लिए, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? जैसे इसी का एग्जांपल देती हूँ, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड, जैसे आपके पास यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब मैं क्या था, यंगर था, यानी कि छोटा था, आई कुड रन अ माइल, मैंने लिखा आई कुड रन अ माइल, कि मैं जो है वो मीलों चलता था। तो अभी ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये बोल रहे हो कि मैं आज जो है, उसके साथ आप वर्ड यूज करोगे ना, कि आप टूडे वर्ड यूज करोगे कि मैं टूडे जो है वो मीलों, मतलब जो है अ माइल जो है वो क्रॉस कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, When I was younger, बताया जा रहा है कि जब आप छोटे थे, मतलब अपने लिए बताया जा रहा है, जब मैं छोटी थी या छोटा था, तो I could run a mile, मैं मीलों चला करता था। यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, कि आपके अंदर की पावर की बात हो रही है, कि आप कितना कर सकते थे, एबिलिटी को बता रहा है, ठीक है। तो एबिलिटी पास्ट की होगी, कैपेसिटी पास्ट की होगी, पावर पास्ट की होगी, तो किसका यूज करेंगे, बताएंगे फटाफट से सभी, कौन से मोडाल का यूज करेंगे, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, जब आपके पास किसकी होगी, पास्ट की, तो कौन सा मोडाल यूज होगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम इसके अलावा बात करते हैं, आपको जैसे किसी से क्या करना है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कोई एक एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो ना किसी के साथ, मतलब आप बड़े ही प्यार से किसी के साथ बात कर रहे हैं, उसके भाव को एक्सप्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज आ सकती है, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। तो यहाँ पर
आपको पोलाइटली अगर रिक्वेस्ट करनी है किसी से तो आप क्या बोलोगे? जैसे आपने कहा कुड हर, आगे आपने कहा प्लीज, कुड यू हेल्प हर प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या किया जा रहा है, मैंने कहा पोलाइट रिक्वेस्ट, इसी के साथ मैंने कौन सी चीज की बात की, परमिशन, परमिशन मांगा और देने वाली, जैसे हमने कहने में पोला जो है वो परमिशन की बात। अब देखो जब जब तक हमने कैन के बारे में बात की, कैन के साथ मे का कंपैरिजन देखा कि किसको हम जो है परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए यूज करेंगे, तो हम मे का जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं। लेकिन अब हमने जो है वो कुड भी पढ़ लिया, तो मे कैन कुड इनमें अगर देखा जाए तो मोर पोलाइट के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज करेंगे सबसे ज्यादा। अब ये अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन आपके पास चीजें हैं दोस्तों, अगर आपके पास तीनों हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन कुड ऑप्शन में नहीं है तो क्या है, कैन है और मे है, तो क्या करेंगे आप, मे का यूज करेंगे उसकी जगह पर। कुड और मे दोनों ही नहीं है तो लास्ट में क्या बच जाता है हमारे पास, कैन ही बच जाता है। जैसे कुड आई स्मोक हियर, कि क्या मैं यहाँ पर स्मोक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक चीज आप याद रखोगे कि जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन की हम बात कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव होगा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरोगेटिव होगा आपके पास, ठीक है। ओके, चीज समझ में आ रही है, यहां तक सबको पता चल गया? बोलिए फटाफट से, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? बाद में मैं आपसे पूछूंगी भी तो अच्छे से आप लोगों ने जो है वो समझ लेना इन चीजों को, कि क्या मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ यू वर्कड हार्ड, आपके सामने है इफ यू वर्कड हार्ड, अब यहाँ पर क्या चीज बताई जा रही है, इफ वर्ड लग गया यानी कि आपके पास क्या है, कंडीशन है, इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड। मैंने कहा इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, कि अगर तुम क्या करोगे, वर्क हार्ड करोगे तो तुम सक्सेस पाओगे, तुम सक्सेस हो सकते हो, ठीक है। ऐसा बोला गया यू कुड सक्सीड, तो तुम सक्सेस हो सकते हो इफ यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर जो है वो क्या बताई जा रही है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि अगर काम को किया जाएगा, संभावना ये बोल रही है कि अगर जो है आप वर्क हार्ड करोगे तब सक्सेस होंगे, अगर वर्क हार्ड ही नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी है करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो कुड में हमने कितने यूजेस की बात की, थ्री, हमने मेन रूल के बारे में पढ़ा कि जो कुड है आपके पास वो एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को शो करने के लिए होता है, एंड सेकेंड हम बात करें तो आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। अगर आपके पास पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए दोस्तों कैन ऑप्शन में है, मे ऑप्शन में है, विल ऑप्शन में है एंड कुड ऑप्शन में, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस चीज को मिलेगी, बताएंगे फटाफट से। अगर आपके सामने ये तीनों चीजें, चार ऑप्शन हैं, अगर इनमें से प्रेफरेंस की बात आएगी तो किसको मिलेगी, कैन को, मे को, विल को और कुड को, किसको मिलेगी, कुड को मिलेगी। वेरी गुड प्रियंका, बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल, सभी को समझ में आ गया ना कुड मॉडल के बारे में, हाँ जी। कोई ऐसा जिसको डाउट रहा हो, कोई नहीं ऐसा, आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है ना, कोई ऐसा जिसको वॉइस क्लियर ना हो, सबको होनी चाहिए, ठीक है। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। कैन के बाद कैन और कुड हमारे दोनों मोडाल हो गए, अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मे मोडाल की, है ना। तो बताएंगे, तो जब तक मैं जो है वो स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि मे मोडाल का यूज कहाँ पर होता है, किसी को पता है मे मोडाल का यूज जो है वो कहां पर होता है, बताइए शाबाश। जो भी आपको लगता है, जहां तक थोड़ा बहुत जो है सबने पढ़ा होता है कि आपके पास ये मोडाल है,
तो कहां पर जो है उनका यूज होता है? मेमोडा, परमिशन के लिए। जी, कह रहे परमिशन के लिए, परमिशन लेने के लिए कि परमिशन देने के लिए? बोलेंगे जरा, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, फॉर्मल मैनर में होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो अब हम बात करेंगे मे, मे के साथ हम माइट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा टू टेक और गिव परमिशन, फर्स्ट है हमारे पास टू टेक और गिव परमिशन। परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए किसका यूज करते हैं हम? मे का यूज करते हैं। आपको परमिशन लेनी है, परमिशन देनी है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? मे। अब सभी को पता है जैसे मे आई कम इन, एक नॉर्मल सा हमारे पास जो है एक वर्ड है जो कि सभी यूज करते हैं, है ना? या फिर मैं कहती हूँ मे आई यो यूज योर पेन, मैंने कहा मे आई यूज योर पेन, तो यहां पर भी क्या है, आप यहां पर क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब परमिशन ले रहे हो कि क्या मैं आपका पेन जो है वो यूज कर सकता हूँ, या क्या मैं आपका पेन जो है वो यूज कर सकती हूँ? आप बोलो कि यस यू मे, तो अगेन आपने क्या किया, मे का यूज किया, ठीक है? और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप यहाँ पर जो है मतलब अलाउ करने की सेंस में, इस जो हमारी जो मैं आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ ना उसमें मे का यूज मतलब होता है कि बी अलाउड टू, ठीक है? बी अलाउड टू, यहाँ पर जो मे का मीनिंग निकल रहा है बी अलाउड टू, मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आपको अलाउ किया जा रहा है उस चीज के लिए कि आप कर सकते हो। जैसे मे आई यूज योर पेन, यस यू मे आई कम इन, यस यू मे कम इन, ठीक है? तो उस तरीके से अलाउ किया जा रहा है, ठीक है? ओके डन। हाँ जी बोलिए, किसी का कोई डाउट है? परमिशन लेने के लिए, हाँ जी बिल्कुल, विश के लिए, बिल्कुल 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 सही बता रहे, ठीक है? सिक्वेंस में चलेंगे हम, विश हो गया, प्रे हो गया, ब्लेस हो गया, कर्स हो गया, उन सभी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? विश हो गया, प्रे हो गया, कर्स होता है, कर्स का मतलब क्या होता है? श्राप, जब कोई आपको क्या कर दे, श्राप दे दे, ठीक है? या फिर आपके लिए जो है वो क्या कर दे, कोई ब्लेसिंग दे दे, तो ब्लेस्ड। इस सेंस में भी आपके पास किसका यूज होगा? मे मोडाल का यूज होगा, ठीक है? इसकी बात करेंगे, मे मोडाल का यूज होगा इसके साथ भी। ओके पता चल रहा है? जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या है आपके पास, क्या यूज होगा यहाँ पर? आपने देखा ना मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना? या फिर मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे आर पब्लिशर लिव लॉन्ग, इस तरीके से आपने बहुत से एग्जाम्पल्स देखे होंगे, है ना? जिसमें विश की जाती है किसी के लिए, प्रे करते हैं हम किसी के लिए, या फिर ब्लेस करते हैं, या कर्स होता है। ओके डन, यहां तक पता चल गया कि मे का यूज कहां पर होता है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट यूज आ जाता है आपके पास एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कि जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कि संभावना है यहां पर, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा संभावना आ रही है, ठीक है? संभावना की बात आ रही है कि एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा मे बी ही इज राइट, मैंने कहा मे बी ही इज राइट, हो सकता है कि वो सही हो, है ना? मे बी ही इज राइट कि मे शायद वो सही है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो सही है, राइट ही इज राइट, ठीक है? ओके पता चल रहा है पॉसिबिलिटी के लिए, कि कैसे आप पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे? जैसे कि मैंने कहा ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, अब यहां पर जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है ही मे कम टुडे, शायद वो आ जाएगा, एक्सप्रेस किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड है आपके पास, ठीक है?
बात समझ में आ रही है। अब देखो मे और माइट में यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी की बात आई है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मे है ना उसकी हमारे पास क्या होती है, मोर पॉसिबिलिटी होती है माइट के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम बात करें मे एंड माइट की, तो आप नोट करेंगे यहीं पर कि जो मे है उसकी हमारे पास मोर पॉसिबिलिटी होती है और जो माइट है उसकी हमारे पास लेस पॉसिबिलिटी होती है एज कंपैरिजन टू माइट। ठीक है, ओके, मे और माइट समझ में आया कि मे के साथ मोर पॉसिबिलिटी एंड माइट के साथ जो है वो लेस पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है जी, लग गया पता सभी को कि नहीं, बताइए। पर्पस को देख लिया हमने, परमिशन के बारे में बात कर दी, एबिलिटी के बारे में बात कर ली हमने। ठीक है, अब देखो अनसर्टेनिटी की बात करें, ठीक है, जैसे अनसर्टेनिटी या सरप्राइज की बात करते हैं, क्या मतलब होता है अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज होती है जो अनसर्टन है, सर्टन नहीं है, अनसर्टन है, यानी कि अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित कौन सी चीज होती है जो एकदम से हमारे पास आ जाए, जो निश्चित नहीं है, यानी कि सरप्राइज भी बोल सकते हैं। किसी को आप सरप्राइज देते हैं ना, तो एकदम से उनके पास जाते हैं, निश्चित नहीं होता है कि आप कोई ऐसा करेगा, लेकिन अनिश्चित बताया गया यहाँ, अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज। ठीक है, जो चीज प्लान ना हो, ठीक है, अनसर्टेनिटी सरप्राइज। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास अनसर्टेनिटी को शो करे, जैसे हाउ ओल्ड शी वॉज, शी इज, हाउ ओल्ड शी इज, ठीक है, हाउ ओल्ड शी इज, कि वो कितनी जो है वो ओल्ड है, हाउ ओल्ड शी इज, शी, अब देखो यहाँ पर शी इज लिखा मैंने, इट, सॉरी, इज, अभी इज की जगह पर हम बात करें मोडाल की, तो हम मोर पोलाइट बनाने के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाउ ओल्ड शी मे बी, क्या बोलेंगे, हाउ ओल्ड शी मे बी, कि वो जो है वो कितनी उम्र की होगी, हाउ ओल्ड, कितनी उम्र की होगी, शी ओल्ड शी मे बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, अनसर्टेनिटी और सरप्राइज को बताने वाला, कोई चीज अनिश्चित हो रही है आपके पास। ठीक है, अनिश्चित आपको नहीं पता है कि वो कितनी है, निश्चित होता तो सर्टेन वर्ड होता यहाँ पर, लेकिन अनसर्टेनिटी की और सरप्राइज की हम बात करें। ओके जी, अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो हमने कुड की बात की थी ना, कुड हमने पिछला यूज देखा, एक बात याद रखेंगे जब भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो जो आप वॉइसेस चेंज करते हो, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो, तो उन सभी जगह पर कैन का कुड बना, जो हम मे है मे का आपके पास क्या बनेगा, माइट बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मे मोडाल भी सबको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बताएंगे फटाफट से, मे मोडाल भी सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, मे मोडाल क्लियर हुआ कि नहीं बताएं। ओके जी, माइट की ओर बढ़े, पर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो बता देंगे, मैं आपको दोबारा जो है वो रिपीट कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी, तो माइट का यूज अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मे का यूज इस जगह पर होगा, माइट की जगह पर होगा, तो आप बताएं, क्या बताया मैंने आपको, मोर पॉसिबिलिटी होती है कि लेस पॉसिबिलिटी होती है माइट, क्या लगता है आपको, जो माइट है मोर होगी कि लेस? प्रियंका जी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो लेस पॉसिबिलिटी जो है आपके पास क्या होगी, आपके पास मोर की। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि माइट में, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जब हम जो है वो क्या करते हैं, एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, यानी कि जो आपके पास्ट टेंस में कोई चीज होगी तो उसमें तो आपके पास मे का माइट बनेगा। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है बाहर की, बताएंगे जरा, आपको जो है कोई और डिस्टरबेंस तो नहीं सुनाई दे रही है? नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, चलिए बढ़िया है। तब तो देखो पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया कि जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो आपके पास होगा पास्ट टेंस। ओके, तो वहां पर आपके पास मे का माइट बनता है। दूसरी हम बात करते हैं, जो हमारे पास बात आती है कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में सेकंड आ जाता है हमारे पास लेस पॉसिबिलिटी होती है, जैसे किसी चीज की, अगर आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी को शो करना है आप वहां पर जो है वो मे का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपको लेस पॉसिबिलिटी को शो करना है, कम पॉसिबिलिटी को शो करना है, आप वहां पर माइट का यूज करें, यानी कि मी और माइट का एक साथ यूज किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ज्यादा और कम की, तो यहाँ पर हमारे पास लेस पॉसिबिलिटी का यूज करेंगे हम। ओके, आगे बात करें। अब देखो, जब हमारे पास कैन के से कम संभावना, जैसे हमने कैन में भी बात की कि हम जो है पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कैन से कम संभावना को अगर आपने बताना है तो आप वहां पर मे का यूज करेंगे। मे से कम संभावना बतानी है तो आप माइट जो है माइट का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा संभावना के लिए कैन हमने यूज किया, उससे कम संभावना के लिए आपने मे यूज किया, उससे कम संभावना के लिए आपने क्या यूज करना है, माइट यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको जो है वो चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, बताएंगे जरा। अच्छा ठीक है, अभी सही है सब कुछ, ठीक है। कैन मे माइट, समझ आ गया ना कि आपके पास कैन सबसे ज्यादा के लिए, मे उससे कम के लिए, माइट उससे कम के लिए। पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चीजें हो रही है कि कैसे कैसे आप बात कर रहे हो कहीं पर, ठीक है। अब मैंने कहा डाउटफुल पॉसिबिलिटी और जो आपकी प्रोबेबिलिटी को आपने शो करना है। जैसे मैंने कहा ही माइट गो टू स्कूल, ही माइट गो टू स्कूल, मैंने कहा ही माइट गो टू स्कूल। अगर मैं यहां पर जो है, क्या मैं मे का यूज कर सकती हूँ, आप लोग बताओ चलो कि क्या मैं यहाँ पर मे का यूज कर सकती हूँ कि नहीं यूज कर सकती हूँ। सब कुछ बताया है मैंने आपको पहले, लेकिन आप लोगों से आंसर चाहिए कि क्या यूज कर सकती हूँ कि नहीं यूज कर सकती। ही माइट गो टू स्कूल या ही मे गो टू स्कूल, बोले फटाफट से यस और नो बोला ज्यादा नहीं। हाँ जी बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल कैसे यूज कर सकती है, ही माइट गो टू स्कूल मैंने कहा। तो आपके पास जो है, जब यहाँ पर माइट मैंने बोल दिया, मैं आपने कहा कि यूज कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन हमें अभी हम बात कर रहे हैं माइट की, तो हमें लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, तो इसका रूल जो आपके पास बनेगा वो हुआ कि आपको लेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को बताना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, माइट का यूज करोगे, ही माइट गो टू स्कूल। ओके गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आप बोलते हो ना ही माइट रेन टूडे, तो आप वहां पर पॉसिबिलिटी बता रहे हो सकती है। आप बोल सकते हो ही मे रेन टूडे, वो भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात है। अगर माइट आ रहा है, मे आ रहा है, एक चीज आएगी ऑप्शन में, ऐसा नहीं है कि दोनों आ जाएगी। बस फर्क इतना है कि अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल यहाँ पर बोल देती हूँ कि ही माइट रेन टूडे, और मैं आप लोगों को जो है ये नहीं बताती हूँ कि यहाँ पर हम मे बी यूज कर सकते हैं, तो अगर आपके पास माइट ऑप्शन में नहीं होगा तो आप तो ऑप्शन में माइट ढूंढते रह जाओगे, है ना। तो इसका मतलब है माइट नहीं होगा तो आप मे कर सकते हो, लेकिन अगर माइट होगा तो हम ज्यादा पॉसिबिलिटी सॉरी कम पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। माइट हमारा जो नंबर है, माइट जो वर्ड है, वही हमें बता रहा है कि कम पॉसिबिलिटी को बताना है आपने यहाँ, ठीक है। नहीं पता लग रहा होगा तो आपने बता देना है, ठीक है। जैसे आपके पास परमिशन है, ठीक है, नेक्स्ट यूज की बात करें, परमिशन इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट की परमिशन की बात करें, लेकिन परमिशन आप मांग रहे हो विद लेस सर्टेनिटी दैट मे अबाउट द परमिशन मे बी ग्रांटेड, मतलब कम आपके पास सर्टेनिटी है कि आपको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, विद लेस सर्टेनिटी दैट मे अबाउट द परमिशन मे बी ग्रांटेड, कि कम पॉसिबिलिटी है मिल रही है परमिशन, नहीं मिल रही है परमिशन। जैसे आप बोल सकते हो ना, आप बोलते हो मे आई आस्क द क्वेश्चन, लेकिन कम पॉसिबिलिटी की है आपके पास यहाँ पर, माइट आई आस्क द क्वेश्चन, कि क्या मैं जो है वो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या सकता हूँ, माइट आई आस्क द क्वेश्चन, आप ये भी बोल सकते हो मे आई आस्क द क्वेश्चन, ज्यादा मोर
फॉर्मल आपको अगर यूज करना है आप मे का यूज करो, नॉन फॉर्मल में जो है, इनफॉर्मल वे में जो है, आप माइट का यूज कर सकते हो, ये भी याद रखना है, ठीक है। इनफॉर्मल मैनर में आप इसका यूज करते हो। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ही वर्क हार्ड सो ही माइट पास द एग्जाम। ही माइट वर्क हार्ड सो ही पास द एग्जाम। या फिर आप बोल सकते हो सो ही माइट पास द एग्जाम, अगर आपको कुछ और तरीके से देखना है, सो दैट ही माइट पास, सो दैट ही माइट पास। तो यहां पर जो है वो सर्टेनिटी के बारे में, यानी कि पर्पस जो है आपके पास, पास्ट का पर्पस बताया जा रहा है, पर्पस इन द पास्ट। जो पर्पस है आपके पास पास्ट का, कि पास्ट में क्या चीज है, ही वर्कड हार्ड सो ही माइट पास द एग्जाम। उसने पास्ट में जो है वो काम किया, पर्पस किया, कोई पर्पस था, कोई काम था, वो किया उसने पास्ट में, उस वजह से जो है उसने जो है वो सो ही जो है एग्जाम पास किया। ओके, बोलिए फटाफट से, माइट भी क्लियर हुआ कि नहीं? एक आपको पास्ट टेंस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पास्ट टेंस में जो है वो माइट का यूज करते हैं। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो वो बताएंगे फटाफट से। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो, है कोई ऐसे? नहीं है? ओके, ठीक है। तो थोड़े से जो है एंटोनियम आप लोगों ने, सिनोनिम एंटोनियम जो है मैं सोच रही थी आप लोगों को करवाने का, या फिर वन वर्ड, है ना। चलिए आज के लिए जो है हम इतना ही करेंगे, बाकी वन वर्ड लिखने हैं तो वन वर्ड करवा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ जी, माइट आई यूज योर पेन, हाँ जी बोल सकते हो, माइट आई यूज योर पेन, ये भी आपके पास बन सकता है। माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हमेशा, माइट आई यूज योर पेन। पूछ रहे हो मोनिका की बता रहे हो? मैंने आपको सबसे पहले बेसिक रूल आप लोगों को बताया था कि जब भी आप जो है वो माइट माइट क्या किसी भी मोडाल के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी मोडाल है, ठीक है, जैसे माइट है, तो माइट के साथ हमने यहाँ पर डायरेक्ट, जब भी आप जो है वो कोई भी वर्ब की फॉर्म बात कर रहे हो तो मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बताया था ना। दूसरा मैंने कहा था मोडाल के साथ अगर बी होगा तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड मैंने आपको बताया था मोडाल के साथ अगर हैव होगा तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये हमने बेसिक रूल जो है वो कल की क्लास में ऑलरेडी कर लिए थे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो वन वर्ड लिख लेंगे, एक से दो वन वर्ड के बारे में बताऊंगी, ज्यादा नहीं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक दो वन वर्ड के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, ओके चले। अच्छा आप मुझे बताएंगे एक ऐसी इंफॉर्मेशन या एक ऐसा जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म टाइप भी बोल सकते हैं, कि ऐसी चीज होती है जहां पर जो है हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, सब टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, जो है पढ़ने से रिलेटेड चाहिए, खाने से रिलेटेड चाहिए, या फिर पहनने कपड़ों से रिलेटेड चाहिए, अ बुक दैट सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, अ बुक दैट सर्टेन इंफॉर्मेशन, अ बुक दैट सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, क्या बोलेंगे उसे? अ बुक दैट सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, क्या बोलेंगे उसे? जो पीजी सिंफ, एनसाइक्लोपीडिया, बिल्कुल सही शालू, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, जिससे सब प्रकार की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे बोलेंगे एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है जी, क्या बोलेंगे? एनसाइक्लोपीडिया। द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स,
जो आर्ट आपका है, जिसमें आप क्या करते हैं, द आर्ट ऑफ राइटिंग, जो लिखते हैं और कोड को सॉल्व करते हैं, उस आर्ट को क्या बोलेंगे? बोलेंगे जरा क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं हम क्रिप्टोग्राफ। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोग्राफ, एन आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड, तो उसे बोलेंगे क्रिप्टोग्राफ। ठीक है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, बताएंगे क्या बोलेंगे? अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन अ मास, जो ग्रुप में चलते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन अ मास, क्या बोलेंगे उसे? मैम कल की क्लास का रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी क्या, और आज की भी मिल जाएगी? क्यों धीरज, आज क्लास लगाई नहीं आपने? आज क्लास लगा नहीं रहे आप, आज की क्लास क्यों चाहिए? अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन अ मास, क्या बोलेंगे उसे? उसे हम कहते हैं स्वार्म, SWARM, स्वार्म कहते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्वार्म कहेंगे। आप लोगों से क्वेश्चन है, लिखवाऊंगी नहीं, फर्स्ट क्लास है। ओके ओके धीरज, ओके ओके, लाइव फर्स्ट क्लास है। ठीक है, देखिए बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, आप नेक्स्ट का आंसर ही आप लोग करोगे। थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड ऑफ द सेम डायमेंशन, मतलब सेम टाइप की जिसमें चीजें होती हैं, सेम काइंड ऑफ डायमेंशन होती है, सेम हो सब कुछ, तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। आपने साइंस में भी टर्म सुनी होगी, अब तो आपकी साइंस की क्लास भी लगती है, तो आपने वहां पर होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस जो है वो सुना होगा। तो होमोजीनियस का मतलब होता है जहां पर सेम काइंड ऑफ जो है चीजें होती है। ठीक है, सेम काइंड ऑफ आपके पास डायमेंशन, सेम डायमेंशन या फिर सेम काइंड ऑफ अनदर थिंग्स, ठीक है, जिसमें सारी चीजें सेम होती है, मतलब वो हो गया होमोजीनियस। ओके, सेम मिक्सचर, हाँ सुमन वो भी बोल सकते हैं, सेम फैमिली सेम मिक्सचर, हाँ जी बिल्कुल, होमोजेनियस होगा, अगर अलग अलग है तो हेटरोजेनियस हो जाता है। ओके तो यहां तक सबका क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया? चलिए ठीक है जी।